बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th लेक्चर नंबर हमारे पास है 17, चैप्टर नंबर 3 से टॉपिक है हमारे पास लूप्स। हमने पहले 3 टॉपिक शुरू किए थे इसी चैप्टर में। पहला टॉपिक से तीनों के नाम थे सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर था हमारे पास। आज हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर से कुछ पढ़ रहे हैं और लूप्स है हमारे पास, ठीक है। अब लूप्स के बारे में अगर हम मालूम करें कि लूप्स क्या है, लूप्स का मतलब ये है कि एक ही काम एक ही स्पीड से जो हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, लूप्स है। कैसे, लूप्स की एग्जांपल देखें। एक मोटरसाइकिल 40 की स्पीड से अगर चल रही है मुसलसल एक ही धुन में, तो उसका मतलब क्या है कि वो लूप्स में है। एक बच्चा रो रहा है और एक ही आवाज़ से, और उसके साउंड ना चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, लूप में है। कोई हंस रहा है तो मुसलसल हंस ही रहा है, तो वो क्या है, लूप में। एक बीप बज रही है यानी कि कोई आवाज़ है, कोई साउंड हो रहा है, ठीक है, तो वो एक ही आवाज़ में बार बार हो रहा है, तो वो भी क्या है, लूप है। तो लूप क्या है, लूप हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको, लूप स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी चीज़ को एक बार नहीं बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कितनी बार कर सकते हैं, कितनी बार करने के लिए इसके साथ क्या होना चाहिए, तो वो देखते हैं। हमारे पास लूप्स के 3 स्ट्रक्चर मौजूद हैं, यानी कि इसकी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स में से पहली का नाम है फोरनेक्स। ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, फोरनेक्स इस्तेमाल की जाती है उस वक्त जब आपको मालूम हो कि लूप को कितनी बार चलाना है, यानी कि स्टेटमेंट को कितनी बार आपने दोहराना है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, आपको खुद मालूम है कि मुझे इसे 10 बार दोहराना है, तो उस कंडीशन में आप किसको इस्तेमाल करेंगे, फॉर नेक्स्ट लूप को। दूसरा हमारे पास है वाई वाई लूप। ऐसा लूप है जिसके अंदर आपको मालूम ही ना हो कि आपका जवाब किस कंडीशन में जाकर आएगा, यानी कि आपको मालूम नहीं है कि आपने इसको कितनी बार रिपीट करना है, दोहराना है, बार बार दोहराना है, ये एक बार दोहराना है, ये दो बार, आपको नहीं मालूम। आप कहते हैं ये उस वक्त तक चलता रहे जब तक मेरा जवाब ठीक ना आ जाए, तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं व्हाइल वाइल लूप। फिलहाल हम आज जो बात करेंगे फोरनेक्स भी इस्तेमाल करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट लूप्स हैं और ये वैसे भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी बने हैं पिछले सालों में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग इसी चैप्टर से देता है। एक तो छोटा चैप्टर है एक वजह, दूसरी बात यह है कि इसमें छोटे चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। तो आज हम पहला शुरू कर रहे हैं लूप्स में से फोरनेक्स। ये इस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा कि जितनी बार आपने इसको दोहराना है, जैसे मैंने आपको पहले कह दिया, तो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये उस वक्त तक इस लूप में मालूम है, अगर मालूम हो कि अगर कि इस लूप को कितनी बार हमने दोहराना है, ये अगर हमें आप मालूम हो तो इसको हम करते हैं स्टार्ट फोरनेक्स को। पहले पहले हमारे पास क्या आता है, साइंटेक्स। साइंटेक्स बहुत आसान है, फोर लिखेंगे, फोर ये वाला, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मतलब है कि कितनी बार इसको दोहराना है, ये डॉट्स। लेकिन हम ये नहीं कि दो डॉट्स लिखेंगे दो बार दोहरा रहे हैं, लेकिन इसका लिखने का स्टाइल ये है कि इसको नेक्स्ट यहाँ पर डॉट लगाकर आगे नेक्स्ट लिखते हैं, यानी कि ये दरमियान में गैप है। गैप की चीज़ क्या है वो आप मैं बताता हूँ। यहाँ फोर है, फोर के बाद कोई भी वेरिएबल है जो कि क्या हो सकता है, कोई भी नाम भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है। उसके बाद आपने इक्वल का बटन लगाना है, इक्वल साइन आएगा, इक्वल साइन के बाद आता है इसके बाद एक्स, एक्स आता है जो कि वाई है, वाई के बाद आएगा कीवर्ड। यहाँ हमारे पास की बोर्ड के कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टेप जेड, इस जेड तक हमारे पास एक एक्स वाई और जेड तक हमारे पास ए बी सी को चलाया जाएगा। यहाँ पर वाई तक जब ये पहुँचेगा तो ये क्या है, ये देखते हैं, वो कहता है कि फोर के बाद आने वाला न्यूमेरिक वेरिएबल नाम लूप कंट्रोल या लूप वेरिएबल कहला सकता है। फोर के बाद आने वाला यहाँ पर कोई नाम, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अली लिख देते हैं, ये एक नाम है, ठीक है। इसी को वो कह रहे हैं ये क्या होगा, कंट्रोल वेरिएबल भी होगा, कंट्रोल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होगा, यही कंट्रोल वेरिएबल होगा, और यही क्या होगा, लूप वेरिएबल, यही हमारे पास क्या आएगा, लूप वेरिएबल बन जाएगा, जहाँ जो भी होगा वही हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल कहलाएगा, वही हमारे पास नाम होगा,
किसी भी चीज का जिसको आप रिपीट करना चाह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं x और y, अब हमारे पास आगे इसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि sin x बनाना कैसे आपने। x की तरफ जाते हैं और ये फिर आगे किसकी तरफ जा रहा है, y की तरफ। वो कहते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है जबकि x और y न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये दोनों जो हमारे पास हैं ये क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। x और y न्यूमेरिक कांस्टेंट है, उससे आगे फिर वो भागता है, वो किस तरफ भाग रहा है, यहाँ z की जानिब, स्टेप z की तरफ। अब वो कहते हैं x और y तो हो गया हमारे पास, देखिए एबीसी जब आप पढ़ते हैं तो पहले x आता है और फिर y आता है, तो x हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो हमारे पास है x, ये क्या है, आगाज है, ये स्टार्टिंग है, x स्टार्टिंग है और y क्या है, एंडिंग है, y क्या है हमारे पास, एंडिंग पॉइंट है। तो x और y स्टार्टिंग भी है, यहाँ मैंने लिख दिया x को y, ये देखिए x और y, x यानी कि आगाज है और y क्या है, आखिर। अब कीवर्ड हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है, वो है z, ये वाला z। अब वो कहता है कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए x से जब z, ये दो हैं और इनके दरमियान में क्या है, एक y, एक ही y, ये वाला y, जब x y से या y x की जानिब अपनी स्टडी शुरू करेगा इजाफा करते हुए, तो जब तक के y ना आ जाए ये इजाफा, अब यहाँ से यहाँ तक का इजाफा करेगा, यानी कि कोई चीज़ ऐड करेगा, इजाफा करेगा x z से और z x से, यानी कि दोनों में से वेरिएबल जो जब चल रहे हैं, लेकिन चलेगा x से z की जानिब, x y और z, यानी कि x z हमारे पास आ गया, दरमियान में कुछ नहीं है, वो y आएगा, लेकिन वो कहता है उसको इजाफा करेगा, किस चीज़ का इजाफा करेगा, जब तक के y ना आ जाए, वहाँ y आने तक का इजाफा होगा, कैसा इजाफा होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी होता है, लेकिन इसने खुद लिखा है कि ये इजाफा मनफी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव इजाफा हो सकता है। अब वो कहता है ये करने के बाद आप डॉट 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 नेक्स्ट वेरिएबल, आपने बस इतना इसका आपने बयान करना था साइंटेक्स कि यहाँ से ये डॉट डॉट लगाने और नेक्स्ट वेरिएबल आपने यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर इसके यहाँ तक जो पूरी साइंटेक्स बनता था ये असर साइंटेक्स है, यहाँ से अगर याद रखिए तो ये तो उसका ही हिस्सा है ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल ही लिखना है यहाँ पर। तो ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो वो साइंटेक्स हमेशा गलत लिख देते हैं फोर नेक्स्ट का, तो ये साइंटेक्स बनाने का तरीका बता दिया। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामिंग की जानिब चलते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग की जानिब चलेंगे तो हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव, यानी कि आप इसमें देखें दो का फिगर इस्तेमाल होगा, ठीक है, इवन नंबर का हमने क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया होगा जिसमें इस्तेमाल हो रहा है क्या, इवन नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैं यहाँ इस्तेमाल करते हुए 10 लेता हूँ, 10 इज इक्वल टू एन, एन क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है, एन बराबर है 0 के, उसके बाद 24 आई इज इक्वल टू 2 to 100 स्टेप्स, यहाँ से देख लीजिए 2 से कहाँ तक जा रहे हैं, 100, 100 तक जा रहे हैं, 2 से 100 तक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 से 100 तक, ये क्या है स्टेप 2 दे दिया इसको हमने नाम, ठीक है। अब वो कहते हैं 30 पे प्रोग्राम 30 पे पहुंच गया, यहाँ पर n, n is equal to n plus 1, यहाँ n 0 है, n के साथ plus 1, plus के बाद क्या होगा 2, क्योंकि हमारे पास plus 1 यहाँ से 2 ही शुरू हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम रेडी हो गई। 40 पे आते हैं नेक्स्ट 1, यानी कि इसके बाद 1 के बाद ये जब हो गया, यानी कि ये n 0 हो गया और ये समझ लीजिए 2 हो गया, 2 जब इससे प्लस होगा क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आने के बाद नेक्स्ट वन, फिर दोबारा 2, इसमें 2 प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 4, 4 में 2 प्लस करेंगे ये हो गया 6, इस तरह ये चलता चला जाएगा इवन नंबर को बनाते हुए। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट, अभी समझ आ गया आपको नेक्स्ट का मतलब क्या है, नेक्स्ट वन यानी कि इससे आगे वाला जो मैंने किया है ये हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है प्रिंट, प्रिंट हो जाए सम ऑफ द सीरीज, जैसे ये जमा होता गया, ये सम का बटन हमने इस्तेमाल किया, यानी कि ये प्लस होता चला जाएगा, यानी कि सम होता चला जाएगा और सीरीज को एन के हिसाब से बनाएगा, एन के हिसाब से सीरीज ये बन जाएगी, तो ये हमारे पास इसका प्रोग्राम हो गया। तो इसमें कोई बात अगर आपको इस्तेमाल करते हुए परेशानी हो या कोई बात ऐसी जो समझ ना आए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपके चैप्टर नंबर 3 से आ रहे हैं, तो इनको आपने लाजमी देखना है, सुनना है, समझना है। और हमारे पास ये देखें पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर ये मौजूद है, पेज नंबर 48 पर, पेज नंबर 48 पर है। और ये हमारे पास जो 49 पर इसका प्रोग्राम मौजूद है, 49 पर इसका प्रोग्राम भी मौजूद है, तो आप इसको कर सकते हैं किसी वक्त भी, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं। ओके, अल्लाह।